नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर प्रयागराज से है। लखनऊ में कथित दंगाई के पोस्टर लगाने के मामले में ताजा अपडेट आप दे रहे। हाईकोर्ट की ओर से अब लखनऊ प्रशासन की ओर से लगाए गए पोस्टर्स को हटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान में हाईकोर्ट ने पोस्टर्स हटाने को कहा है, तो ये अपडेट आपको दे दें। कोर्ट की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लगाए गए तमाम पोस्टर्स को हटाकर एक रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने को कहा है। 16 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर से मामले पर सुनवाई करेगा। 16 मार्च तक ये पोस्टर्स हटाने होंगे। लखनऊ में सीएए के खिलाफ हिंसा करने वाले थे पोस्टर। लखनऊ में कथित दंगाई की पोस्टर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने लखनऊ प्रशासन को पोस्टर हटाने के दिए हैं निर्देश। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने को कहा। 16 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर से करेगा मामले पर सुनवाई। 16 मार्च को हलफनामा दाखिल करे सरकार। लखनऊ में सीए के खिलाफ हिंसा करने वाले लगे थे पोस्टर्स, अब हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है कोर्ट की ओर से सरकार प्रशासन को। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने हाईकोर्ट के वकील अखिलेश त्रिपाठी से खास बातचीत की है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित फैसला दे दिया है। दो दिन की हुई सुनवाई के बाद उसने फैसला रिजर्व कर लिया था। कल सुनवाई पूरी करने के बाद आज 2 बजे की तिथि मुकर्रर की गई थी, और मुकर्रर करने के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये पोस्टर्स जो लगाए गए उन्हें हटाने का आदेश दिया है। हमारे साथ हैं अखिलेश त्रिपाठी जी, जो कि अधिवक्ता है, ये उनसे जानकारी लेते हैं क्या कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने ये जो पोस्टर लगाने की कार्रवाई थी सड़क किनारे, कल ही ये चीज़ कही थी कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, और अगर किया है आपने तो किस प्रोविज़न के तहत किया है, वही प्रोविज़न कोर्ट जानना चाहती थी। एडवोकेट जनरल आए थे, उन्होंने अपनी बहस की थी। उस बहस के बाद जो भी तथ्यात्मक चीज़ें देखी कोर्ट ने, उसमें शायद उन्हें लगा कि ये कार्रवाई कानून के जो प्रावधान हैं उनके तहत नहीं की गई थी, और इसी को देखते हुए कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को, वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को निर्देश दिया है कि इन पोस्टरों को तत्काल हटा लिया जाए, और हटाने के बाद जो कंप्लायंस रिपोर्ट है यहाँ रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष उसको 16 मार्च के पहले दाखिल कर दिया जाए। अच्छा, कल सुनवाई हुई थी, आप कोर्ट में मौजूद थे, किस तरह से सुनवाई हुई थी और क्या रखा था पक्ष अपना? कोर्ट में कल जाने नहीं दिया जो सरकारी वकील थे उसके अलावा, क्योंकि सुबह की जब सुनवाई में हम लोग थे तो उस समय कुछ लोगों ने मेंशन किया था कुछ और शहरों के मामले, बट कोर्ट ने इसको सुओ मोटो संज्ञान लिया था, तो वो नहीं चाहती थी कि कोई और दूसरा आए, क्योंकि खुद ही कोर्ट इस बात को संजीदगी से ले रही थी और कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था। अच्छा, तो उसको लगा कि कोर्ट को लगा कि नहीं डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं है, इसलिए केवल सरकारी पक्ष था और किसी को नहीं अंदर आने। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 16 तारीख तक यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही सारी चीज़ें बताई जाए कि क्यों ये पोस्टर्स लगाए गए थे और किसी की निजता और शुचिता पर सवाल उठाए गए थे। आलोक मालवीय, न्यूज वन इंडिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज। आलोक और विक्रम दोनों ही सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। एक बार आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, 2 बजे सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान में कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको ये तमाम लगाए गए पोस्टर्स हटाने होंगे, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में अगर अभी बात करते प्रयागराज की, तो क्या प्रशासन की ओर से तुरंत अभी कार्रवाई शुरू हुई है इस ओर? देखिए, जिस तरह से बहुप्रतीक्षित फैसला आया है, फैसला आने के बाद से जो वकीलगण है वो बाहर निकले और उन्होंने फैसले को जैसे ही बताया तो लोगों में खुशी का माहौल था, और किस तरह से ये फैसला आया है इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शशि भूषण जी हैं एडवोकेट, क्या कहेंगे शशि जी? ये फैसला है, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति का विवरण, उसका फोटो और अन्य डिटेल इस तरीके से सार्वजनिक करना सरकार का गैर वाजिब कदम था, अनुचित कदम था, और इसको तत्काल हटाने का आदेश दिया है। मानवाधिकार का भी मामला इसमें बनता है क्या? हाँ, कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कमेटी
और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भी इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि व्यक्ति की निजता का अधिकार उसका एक मानवाधिकार है, जिसका तो इस पर सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से क्या पक्ष रखा जा रहा था। विश्व के अनेकों देशों में इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। जो यहाँ पर सुनवाई हो रही थी, इस दौरान क्या फटकार भी लगाई गई है प्रदेश सरकार को? चूंकि हम लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ सरकारी अधिवक्ता ही उसमें थे, इसलिए इस बारे में मेरा स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को गैर वाजिब, गैर कानूनी माना है। इस तरीके से पोस्टर लगाए जाने को बिल्कुल गलत माना है और तुरंत हटाने का निर्देश लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को दिया है। इसके अलावा क्या बोला है, 16 तारीख को क्या किया जाए? हाँ, कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 16 मार्च 2020 या उसके पहले रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में इसका कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करें और अगर दाखिल होता है तो ये केस अपने आप निस्तारित माना जाएगा। विक्रम का एक बार रुक कर लेते हैं। विक्रम भी वहां पर अभी लगातार बने हमारे साथ में लखनऊ से। और विक्रम, प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, मामले पर निर्देश दिए जाते हैं, अभी क्या उसके बाद एक्शन कुछ लिए जा रहे हैं या नहीं लखनऊ में? देखिए, अभी तक की अगर होर्डिंग की स्थितियों की बात की जाए तो अभी तक की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमने पूरी तरीके से दर्शकों को दिखाया था कि अलग अलग जगहों पर, चाहे वो हजरतगंज चौराहे की बात की जाए या विधानसभा के सामने जो होर्डिंग लगाई गई है या लोक भवन के सामने जो होर्डिंग लगाई गई है, एनेक्सी के सामने जो होर्डिंग्स लगाई गई है, अभी तक की वो होर्डिंग्स लगी हुई है। जिस तरीके से आदेश जारी हुआ है और 16 तारीख तक का समय दिया गया है, तो कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन को जरूर एक्शन लेना पड़ेगा और होर्डिंग्स को अभी हाल फिलहाल हटाना पड़ेगा। आगे उस पर क्या कार्यवाही जिला प्रशासन अपने स्तर पर करता है या आगे कोई अपील करता है? विक्रम, खास बात यह है कि एक तो होली और होली की छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां, इस तरह से अगर यहां पर कोई एक्सक्यूज दिया जाता है तो क्या इसको लेकर भी अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि अब तो फिलहाल में जब कोर्ट के निर्देश है तो तुरंत प्रभाव से इन होर्डिंग्स को वहां से हटाना चाहिए, लेकिन अभी लगता है कि हो सकता है कि प्रशासन के पास अच्छा खासा एक्सक्यूज हो ये होली की छुट्टियां और इस तरह से। देखिए, कोर्ट को भी शायद ये बात खुद पता थी, कोर्ट भी ये चीज जानती है कि जिस तरीके से होली को लेकर सभी लोग छुट्टियों पर है या ज्यादातर लोग छुट्टियों पर हैं, उसी को देखते हुए शायद 16 तारीख तक की का समय कोर्ट ने दिया है कि 16 तारीख तक की पूरी रिपोर्ट जमा की जाए और 16 तारीख से पहले जिला प्रशासन को पूरी होर्डिंग हटाकर अपनी रिपोर्ट, जो कैंपेंसिव रिपोर्ट है, वो पूरी कोर्ट में देनी होगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये संज्ञान में था कि होली के चलते थोड़ा लेट हो सकता है, तो शायद उसी कारण से जिला प्रशासन भी कुछ दिन में इसको 16 तारीख से पहले ये सारी होर्डिंग्स हटा देगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दंगाइयों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सरकार जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी कि पूरी फोटोज और तस्वीरें और एड्रेस के साथ सभी जो दंगाई थे उनकी फोटोज तस्वीरें लगाई गई थी, उसके बाद झटका जरूर एक जिला प्रशासन को लगा है कि जिस तरीके से जो उपद्रव करने वाले थे उन पर जिस तरीके से कड़ाई लगातार उपद्रवियों पर जिला प्रशासन बरत रही थी, हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और साफ कर दिया है कि इस तरीके से निजता के कानून का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, लोगों के ऊपर कड़ाई कर सकते हैं, उनके ऊपर जो कानूनी कार्यवाही है वो की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से किसी कानून का उल्लंघन करके। मैं विक्रम आपसे कई राजनीतिक पहलुओं पर भी बातचीत करूंगी, लेकिन शायद आलोक के पास में कुछ लोग हैं और आलोक उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। आलोक जी, मेरे साथ परवेज अख्तर अंसारी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जैसे ही फैसला आया वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे परवेज जी? शायद आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से जरा टीम को बोलेंगे चेकआउट करें कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल देखिए, अब रिएक्शंस तो आएंगे ही, मामला क्योंकि अब राजनीतिक हो चला है और अब कोर्ट की ओर से भी ये उन लोगों के लिए जरूर राहत की खबर है जिनके पोस्टर्स में तस्वीरों के साथ नाम और उनके एड्रेस चस्पा किए गए थे। अब इस बीच हाईकोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, मायावती ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, विक्रम और आलोक। खबर गाजियाबाद से है, अपराधियों से ज्यादा आई पुलिस वालों की शामत, एसएसपी क्रांति निथानी के निशाने पर भ्रष्ट और लापरवाह पुलिस कर्मचारी, 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी क्रांति निथानी ने कार्रवाई की। इससे पहले भी कई दरोगा और पुलिसकर्मियों पर वो कार्रवाई कर चुके हैं। गाजियाबाद में वर्क कल्चर स्थापित करना चाहती है क्रांति। कुछ दिन पहले एक क्षेत्र अधिकारी ने भी अपना तबादला करा लिया था। एसएसपी क्रांति निथानी के हंटर से थानेदारों में डर है। पहले गाजियाबाद में थानों की पोस्टिंग के लिए लगती थी सिफारिशें, लेकिन अब डर के मारे यहां से कुछ पुलिस कर्मचारी अपने तबादले कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में लखनऊ से ट्रांसफर होकर आए
कलानी इंसानी गाजियाबाद की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और गाजियाबाद का दारोमदार उनके कंधों पर है। सबसे खास बात यह है कि गाजियाबाद अगर क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम यहां पर होता है, लेकिन अब क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पहले बेहतर वर्क कल्चर डेवलप करना होगा। इसी पॉलिसी पर काम कर रहे हैं फिलहाल एसएसपी कलानिधि नेथानी और उनके हंटर से थानेदारों में इस वक्त डर है। इससे पहले भी कई दरोगा और पुलिस कर्मचारी पर वो कार्रवाई कर चुके हैं, इस बार फिर से कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद में वर्क कल्चर डेवलप करना चाहते हैं कलानिधि। और कानपुर में होली पर छात्रों की अनोखी ही पहल देखने को मिल रही है। देखिए, पर्यावरण बचाना इस वक्त एक बड़ा एजेंडा बन चुका है, किसी के लिए भी एक बड़ा उद्देश्य है ये उन भारतीयों के लिए जो अपने पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो इस बीच होली पर छात्राओं की अनोखी ही पहल है पर्यावरण को बचाने के लिए। छात्राओं की अनोखी पहल यूं कि लकड़ी की जगह कंडों की होली यहां सजाई गई। लोकगीत और फिल्मी गीतों पर जमकर डांस भी हुआ। छात्रों ने इको फ्रेंडली होली खेलने के लिए इस तरह से प्रेरित किया। होली का पर्व तो रंगों का त्यौहार होता है, लेकिन इस बीच जो छात्राएं हैं वो एक अलग ही संदेश का प्रवाह कर रही हैं समाज के अंदर। अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे आगरा की, क्योंकि अगर बात आगरा की करते हैं तो कोरोना के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो चुका है आगरा। इस बीच कोरोना के खौफ में शहर जी रहा है। एक और कोरोना मरीज की पुष्टि से हड़कंप मच चुका है। महिला के कोरोना वायरस से प्रग्रसित होने की पुष्टि हो चुकी है। अब तक कोरोना के आगरा में ही कुल 7 मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, तो आगरा के अंदर एक तो ताज नगरी है आगरा, इस बीच ताज के दीदार के लिए बाहर से विदेशी पर्यटक बहुत भारी तादाद में आते हैं। इस बीच यहां पर लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगरा में कोरोना के खौफ में इस वक्त शहर भर के लोग जी रहे हैं। आप देखिए, जहां पर आमतौर पर लंबी लंबी कतारें होती हैं, अब लोग वहां से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि आगरा में ही अभी तक 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है कोरोना से संबंधित। सेफ्टी मेजर्स तो यहाँ हैं, बहुत लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और आई थिंक टूरिस्ट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट है, काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे। आई थिंक मेन फोकस इज़ ऑन प्रिवेंशन, सब लोगों ने यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं। मेरे को लग रहा है जो होटल में पता लगा है वो ऑक्यूपेंसी उनकी 70% थी, वो 40% रह गई है कोरोना वायरस के चलते हुए। और यहाँ पे क्या तैयारी की हुई है एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी अंदर जाके पता लगेगा। वैसे बाहर मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मेजर्स लिए गए हैं। मेरा नाम इवांका चोपड़ा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं एंड हम लोग यहाँ बच्चों के साथ इन्जॉय करने आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि पीपल आर क्वाइट लेस है बिकॉज ऑफ थिंग ऑफ द ऑन गोइंग स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। सो मेन थिंग, ऑल दो वी नो कि मास्क इज़ नॉट द प्रिवेंशन फॉर कोरोना वायरस, बट इट्स जस्ट यू कैन सी है वी हैव द फिल्टर्स है। So the filters one are the respirators. Respirators are not just preventing people from us, but also preventing us from the spread of others, coronavirus. So it's like, as we all know, it's by a spread of droplets, not through the air. So normally we should prevent attack or avoid the droplets at contact with any other people, droplets and all. So that's why we all are having this prevention by wearing these filtered masks, which are known as respirators. And we have all come. तो जो यहाँ पर ताज नगरी में ताज किदार को पहुंचे हैं, उनका कहना यह है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो चौकस हैं। होली पर पुलिस की सुरक्षा चौकस है, रंगों के त्यौहार पर शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। जिले में 3,492 स्थानों पर होली का दहन किया जाएगा। पुलिस फोर्स ने कुछ स्थानों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की है। CAA को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में शांति पीस कमेटी की बैठकें हुई हैं। शहर के 150 स्थानों पर बैरियर लगे हैं। गलत तरीके से वाहन चलाने वाले संदिग्धों की भी चेकिंग होगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है शांति बनाए रखें और शांति के साथ ही होली के त्यौहार को मनाएं। होली के दिन जिले में 300 वाहनों से गश्त पुलिस करेगी। यूपी में 100 की 75 PRV और 45
दुपहिया वाहन भी गश्त करेंगे। 50 चीता मोबाइल, 40 ईगल मोबाइल, 28 एंटी रोमियो दल तैनात रहेंगे। होलिका दहन से पहले अग्निशमन विभाग ने भी अपनी कमर पूर्ण रूप से कस ली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन के स्तर पर होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां की गई है। एक महत्वपूर्ण त्यौहार है होली का, जिसको दृष्टि देखते हुए यहाँ पे जो संभ्रांत नागरिक हैं उनकी बैठक की गई है। उनसे ये भी बताया गया है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई अवैध शराब या नशीला पदार्थ कोई अवैध रूप से बेच रहा है तो उसके हमें गोपनीय तरीके से सूचना दी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अराजक है, जो प्रवृत्ति से झगड़ालू है या आपराधिक किस्म का है, उसका अगर कोई ऐसा व्यक्ति है। और देखिए, एक तरफ जहां होली के त्यौहार के दौरान में बाजार गुलजार होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की चपेट में लोग कहीं आ ना जाएं इसी खतरे के चलते बाजार तो इस वक्त रंगों से भरे हैं लेकिन उनके खरीदार नहीं। हमीरपुर में रंग कारोबारियों पर कोरोना वायरस का असर दिखा है। कोरोना वायरस से पिचकारी और रंगों की दुकानों पर पसरा है सन्नाटा। लोगों ने कोरोना के चलते पिचकारी और रंगों से इस बार दूरी बनाई है। रंग पिचकारी की बिक्री ना होने से कारोबारी जो है वो मायूस है। फिलहाल जिले में अभी तक नहीं मिला है कोरोना वायरस का कोई भी मरीज। बहुत कमजोर सेल है और पहले हम लोग माल बिक जाता था 70-80%, इस बार 30-40% के आसपास बिक रहा है। इस वजह कोरोना वायरस की वजह से और कुछ मतलब चाइनीज पिचकारी ना आने। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने जहानाबाद थाना क्षेत्र के नोनारा के कंजरन डेरा गांव में अवैध शराब माफिया पर छापेमारी की है और पुलिस ने मौके से लगभग 18 क्विंटल लहन और 225 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। और इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद से इलाके में इस वक्त जो शराब माफिया है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर में आजम खान के करीबी पूर्व रिटायर्ड सीओ आले हसन ने पूछताछ यहां पर उनसे पूर्व रिटायर्ड सीओ आले हसन से एसआईटी ने पूछताछ की है। जौहर यूनिवर्सिटी के जमीनों से संबंधित मामले पर पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद रिटायर्ड सीओ का बयान, 14 साल पुराना मामला, हमने कुछ नहीं किया। पूछताछ के बाद रिटायर्ड सीओ ने कहा 9 तारीख को बयान दें जो उन्होंने मालूम किया। हमने कहा कि 14 साल पुराना मामला, हमने कुछ नहीं किया। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के तहत दरअसल आजम खान पर नकेल कसने की तैयारियां लगातार की जा रही है। इस बीच खबर ये तक आई कि बहुत जल्द जौहर विश्वविद्यालय पर टेक ओवर कर सकती है सरकार, क्योंकि जानकारी ये है या सूत्रों का दावा ये है कि सरकारी पैसा जौहर विश्वविद्यालय में लगा है और अब ऐसे बच्चों के भविष्य के मद्देनजर सरकार उस विश्वविद्यालय का टेक ओवर कर सकती है। इस बीच उस दौरान के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है, लेकिन आले हसन कहते हैं कि 14 साल पुराना मामला है और हमने कुछ नहीं किया है। पूछताछ के बाद में रिटायर सीओ कह रहे हैं कि 9 तारीख को बयान दे जो उन्होंने मालूम किया। हमने कहा कि 14 साल पुराना ये मामला है और हमने इसमें कुछ नहीं किया। और वहीं मेरठ में भी होली के मद्देनजर अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने 300 से ज्यादा असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, कईयों को जेल भेजा है। आपराधिक किस्म और असामाजिक तत्व जो हैं उन पर नकेल कसी जा रही है, जिसके चलते कईयों को गिरफ्तार किया गया है। शहर देहात में पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान फोर्स के साथ गश्त भी चल रही है पैदल। आर्म्स एक्ट आबकारी अधिनियम के तहत 151 सीआरपीसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। पूरे जनपद में एसएसपी मेरठ महोदय के निर्देशन पर ऐसे तत्वों को चिन्हित करके जिनसे होली में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा करने की, शांति भंग करने का अंदेशा था, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों को। और पुलिस ने लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। शादी के लिए लूट ये लुटेरे किया करते थे। इनका नाम है लुटेरों का गैंग। पुलिस लूटपाट करने वाले गैंग के 3 मेंबर्स को धर दबोचा है। सुंदर लड़कियों से शादी करने के लिए घटना को अंजाम दिया करते थे। लुटेरों के गैंग का गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़ा है गिरोह। लोगों के पैसे पर ये पहले हाथ साफ करता था। इस लूट की वारदात में जो जितना माहिर होता उसे उतना ही खूबसूरत लड़की से शादी करने का मौका मिलता था। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा के मुताबिक बरवार जाति के इशाते लुटेरों का निवास काफी निम्न स्तर का होता है, परंतु लग्जरी की दृष्टि से ऐशो आराम के सारे संसाधन इनको मौजूद रहते हैं। यानी जगह चाहे कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन इनके अपने ऐशो आराम के तमाम साजो सामान इनके उस अपने ठिकानों पर जरूर मुहैया रहते हैं। जितने ज्यादा शातिर तरीके से कोई बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देगा, उतनी ही खूबसूरत उसे
लड़की मिलेगी शादी के लिए, ये इनकी टर्म्स हुआ करती थी और इस लिहाज से ये लोग इस लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बने रही हमारे साथ, नमस्कार।